ओके हेलो एवरीवन, तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, हेयर कट की भी पार्टी, बाल भी गए, पैसे भी गए, पार्टी भी। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। जावेद हबीब से करा है? हाँ, यहीं पे पुराने नाले के ऊपर बैठता है, उसका नाम जावेद है कि नहीं मुझे नहीं पता। चलिए सर, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जब जाते हैं सलून में, जाके बोलते हैं कि ऐसा 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 करना है, यस। दूसरे लोग होते हैं जो जाके कहते हैं 5 मिनट ले और जल्दी से बस बाल काट दे फटाफट। तो आप जानते हैं मैं कौन सी किस्म वाला हूं, है ना? और कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए बोलूं भी कैसे, फिर मैं बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है भाई, कुछ होना भी तो चाहिए ना। ऐसे चलिए सर, तो पहले जल्दी से पेज रिप्लेसमेंट वाला आइडिया जो है उस पर एक बार बात करते हैं, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा, एंड आई होप कि आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, यस। तो पेज रिप्लेसमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उसके बाद एक दो और पैटर्न्स और हैं, फिर मैं उन पर दोबारा वापस आऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो पहले मुझे एक बार जल्दी से बताइए, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है, ये याद है आपको? कहाँ काम आता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? यस, वेरी गुड। क्या आइडिया था सर? अगर पेज फॉल्ट होता है, पेज फॉल्ट क्या है? सीपीयू कोई ऐसे पेज की रिक्वेस्ट करता है जो पेज अभी मेन मेमोरी में है कि नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। तो सीपीयू किसी ऐसे पेज की रिक्वेस्ट करता है जो पेज अभी मेन मेमोरी में नहीं है। वेरी गुड। उस केस में हमें उस पेज को तो मेन मेमोरी में लाना ही है, क्या ये कोई ऑप्शन है? नहीं, उसको तो लाना ही है सर। ओके, लेकिन अब अगर मेन मेमोरी पहले से फुल है, उसमें जगह नहीं है, तो क्या किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा? अब जाहिर सी बात है कि प्रोसेस का एक कोटा फिक्स होगा, ऐसा है कि किसी सड़क चल दो बड़ा बेटा यहां ना उसको बाहर ले गए, नहीं। तो आपको अपने ही किसी पेज को विक्टिम बना के बाहर छोड़ के आना है, सही बात है? तो जरा एक बार ये पैटर्न देखिए, यहाँ पर जो सबसे कॉमन सेंस अप्रोच हो सकती है विक्टिम ढूंढ निकालने की, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपका ही जो पेज पहले सबसे पहले अंदर आया था उसको विक्टिम मानते हुए बाहर निकाल लेंगे। हालांकि एफिशिएंसी वाइज, लॉजिक वाइज ऐसा करना कितना सही या कितना गलत होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले एक बार इस आइडिया को हम अप्लाई करके देखना चाह रहे हैं। क्या बात समझ आती है आपको? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपने कुछ केसेस किए भी होंगे, क्या पहले से गिवन रहता है कि आपके पास कितने फ्रेम है? आप देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नहीं, आप अभी से स्टार्ट करिए, ठीक है।
ये नया टॉपिक है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला प्रोसेस है सेवन, अब सबसे पहले सेवन आया, उसके बाद जीरो आया, उसके बाद वन आया। अब जब टू अंदर आएगा तो क्या तीनों के तीनों जगह भरी हुई थी? जी हाँ। तो विक्टिम कौन बना? विक्टिम बना सेवन, क्योंकि वो सबसे पहले अंदर आया था सर, उसको बाहर निकाल दिया गया। जब दोबारा जीरो मांगा तो जीरो पर पेज फॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ? जीरो पर पेज फॉल्ट नहीं हुआ क्योंकि वो तो अंदर है। फिर जब उसके बाद दोबारा थ्री मांगा गया तब आप देखेंगे थ्री मांगने पे क्या होगा। फिलहाल सबसे लंबे समय से अंदर कौन था? जीरो। तो जीरो को बाहर बनाएंगे, जीरो की जगह थ्री ले आएंगे, वन अपनी जगह बना रहेगा। एक बार मुझे बताइए, वन बाय वन ठीक इसी तरह आगे बढ़ते जाना है तो यू नो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मैकेनिज्म है? क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक बात है। तो एक बार मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। इन फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट विद ईच पेज दैट द टाइम व्हेन द पेज इज बॉट इनटू द मेमोरी एंड व्हेन अ पेज मस्ट बी रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज इज चूजन। जब भी रिप्लेसमेंट करना होगा हम सबसे नया पेज चूज करेंगे, सबसे पुराना। द ओल्डेस्ट पेज इज चूजन दैट इज द फर्स्ट पेज दैट कम आउट इनटू द मेमोरी विल बी रिप्लेस फर्स्ट। जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में बता रहा है कि ओवरऑल कितने पेज फॉल्ट हुए हैं? ओवरऑल 15 पेज फॉल्ट हुए हैं। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट फीफो को यूज करने का क्या आइडिया हो सकता है? कोई क्यों इसकी तारीफ करेगा? क्या खास बात है इसमें? वेरी गुड। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको हैंडल कर सकते हैं। ग्रेट। प्रॉब्लम क्या है? आइडिया ये है सर, सोचिए लॉन्ग रन में हमें किसको बाहर भेजना चाहिए जिसका अभी काम है कि नहीं है। हमें बाहर किसको भेजना चाहिए जिसका अभी काम नहीं है? अगर कोई पेज सबसे पहले लोड हुआ था, तो क्या इसका यह मतलब है कि अभी वो काम का नहीं है? ऐसा तो नहीं है, हो सकता है कि वो अभी भी काम का हो। क्या बात समझ आ रही है सभी को? यस। वेरी गुड। तो इसका मतलब लॉजिकली ये सिर्फ तुक्का मारने वाली बात हुई, ये मैथमेटिकली कोई बहुत अच्छा आइडिया तो नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए विक्टिम चुनने का। सही बात है। अच्छा सर, एक ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो है बिलेडी एनोमली। ये न जाने कितनी बार गेट में पूछा गया, मेरे ख्याल से कम से कम 7-8 बार तो पूछा गया है। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ट्राई किए होंगे तो आपको समझ भी आया होगा बिलेडी एनोमली। ये क्या प्रॉब्लम है? अगेन अगर मैं इस बात को थोड़ा डायरेक्टली आपसे ऑब्जर्व करने के लिए बोलूं तो प्लीज थिंक इट दिस वे। अगर एक्स एक्सिस पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ फ्रेम्स, किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स दिए गए हैं, और वाई एक्सिस पर अगर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, तो आप मुझे बताइए इन जनरल क्या होना चाहिए? जैसे जैसे किसी प्रोसेस का सर हम एलोकेशन बढ़ाएंगे, पेज फॉल्ट कम होंगे या बढ़ेंगे? क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस बात है, एज द नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स मस्ट गो डाउन। यस, कोई भी एल्गोरिथम हो अप्रोच तो लगभग सेम होगी फाइनल रिजल्ट, बट फीफो एक एक्सेप्शन है। कभी कभी यहां पर इस तरह का सिनेरियो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, दैट इज नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ाने के बाद भी पेज फॉल्ट कम होने के बजाय बढ़ जाए, और इसीलिए इसको हम एनोमली बोल रहे हैं। वाई एनोमली? तो एनोमली क्या कोई कॉमन प्रॉपर्टी आइडिया होता है? नहीं, एनोमली मीन्स प्रॉब्लम, समस्या, एक्सेप्शन। यस, तो ये कोई कॉमन बात नहीं है, लेकिन कभी कभार। अच्छा अकेली बात क्या है, क्या बहुत सारे एल्गोरिथम इस प्रॉब्लम से सफर करते हैं या ये खुजली सिर्फ फीफो को ही है? नहीं, बाकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम फीफो को है। तो सर फीफो अकेला ऐसा है जो बिलेडी एनोमली से सफर करता है। व्हाट इज बिलेडी एनोमली? You know, क्या लिखता है भाई? लिखता है द पेज फॉल्ट मे इंक्रीज। अच्छा ऐसा है क्या कि हर बार इंक्रीज होगा? ये बात भी क्लियर कर देता हूं। ना, मे की बात कर रहा है। वेरी गुड। तो पेज फॉल्ट मे इंक्रीज
एज द नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम इंक्रीज, जब नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम इंक्रीज होंगे तो पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो सकता है। क्या ये बात समझ आती है क्या सभी को? इसमें कोई मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसे थोड़ा हल्के में ले रहा हूँ ये मानते हुए कि बहुत साधारण बात है और ये आइडिया भी बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल तो एक नहीं बेटा, एग्जाम्पल अनेक देंगे। क्या आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए? अमित किए? तो क्या 20 क्वेश्चन में आपको फीफो बिलोडी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिला? नहीं मिला? चलो देख लेते हैं अभी। बाकी मेहताब अली आपकी मदद के लिए देखिए एग्जाम्पल स्ट्रिंग लिख भी रहे हैं, वही वही मुझे लग रहा है। अभी देखता हूँ इस लड़के ने क्या सॉल्व किया क्या नहीं किया। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है गेट 2018 में क्वेश्चन पूछा था। ए बी सी डी चार ऑप्शन इसके थे। मुझे बताइए आप लोगों ने क्या सॉल्व किया और क्या इसका आंसर आया। एक अच्छा, जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया हो कॉपी पे उसका सर आप एक अगर पिक्चर लेके भेज देंगे तो बड़ी आसानी होगी, साफ सुथरे से जिसने सॉल्व किया हो। यस, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर भी किया है। सपोज फॉर अ प्रोसेस पी 11%, 21%, 61% एंड 7%। सपोज फॉर अ प्रोसेस पी रेफरेंस टू पेज अकर्स इन द ऑर्डर, तो ये स्ट्रिंग आपको दे दिया गया है। एज्यूम दैट मेन मेमोरी कैन अकोमोडेट थ्री पेजेस, आपको बता दिया तीन पेज हैं। एंड द मेन मेमोरी इज ऑलरेडी हैज द पेज नंबर 1 and 2 इन द ऑर्डर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो तीन में से थोड़ा दिमाग लगा रहा है, तीन में से दो पहले से इसने बताया कि 1 or 2 आपके पास, ऑर्डर भी बता दिया। एट दिस मोमेंट अज्यूम दैट फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज यूज्ड, देन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट दैट अकर्स टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, इसमें भी गंद फैला दी। चार नंबर का स्ट्रिंग ही है ये, तो मैं खुद ही करूंगा। नो आई विल डू इट। पहला पहला क्वेश्चन है अभी तो मुझे, मैं जो रट के आया हूँ मुझे आंसर भी याद है इसका। चलिए सर तो बताइए फर्स्ट वैल्यू पे जहां से स्टार्ट कर रहा है सबसे पहले 1 पे पेज फॉल्ट होगा कि नहीं होगा बताइए। लुक एट दिस, नहीं 1 or 2 तो पहले से है, तो 1 पे पेज फॉल्ट नहीं होगा, 2 पर पेज फॉल्ट नहीं होगा, 4 पे पेज फॉल्ट होगा, बट विक्टिम किसी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी भी डेटा वहां पर स्पेस है। हाँ 5 पे जरूर पेज फॉल्ट होगा और क्योंकि इसने ऑर्डर भी बताया कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो 1 or 2 में कौन विक्टिम बनेगा सर? 1 विक्टिम बनेगा, 2 or 4 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, तो 2 पे अगला पेज फॉल्ट नहीं होगा, फिर 1 चाहिए, 1 पे प्रॉब्लम होगा। इस बार विक्टिम कौन बनेगा? इस बार विक्टिम 2 बनेगा, है ना, तो 2 की जगह आएगा 1, 5 अपनी जगह रहेगा, 4 अपनी जगह रहेगा और कहानी आगे बढ़ेगी। फाइनली 2 पर आप जाएंगे फिर दोबारा से प्रॉब्लम होगी, इस बार बाहर का रास्ता 4 को दिखाना होगा, तो 5, 1 and 4, हालांकि जिसको बाहर निकाल रहे हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लास्ट में फिर दोबारा पेज फॉल्ट होगा, 5 को रिप्लेस करेगा 4 एंड ये फाइनल स्टेटस रहने वाला है। तो ओवरऑल ये तो इनिशियल स्टेटस था, 1, 2, 3, 4, 5 5 पेज फॉल्ट होंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा किया 4 नहीं देखा। तो तीन पेज की जगह 3 फ्रेम बोलता तो अच्छा लगता, उसकी इच्छा है, कोई टेंशन नहीं। कैश याद आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन को, क्या पहला ही क्वेश्चन था सर ये, क्या इस क्वेश्चन को 61% से ज्यादा नंबर डिजर्व करता था ये? इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, बहुत साधारण क्वेश्चन था। चलिए अभी किसी को डाउट है आगे बढ़ सकता हूं? कोई बात नहीं, अब तो अपन ने सॉल्व कर लिया, अगले में देखते हैं, अगले में देखते हैं। ये देखिए गेट 2016 में 1 mark क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इट इज पॉसिबल फॉर पेज फॉल्ट,
rate to occur even when the number of allocated frame increases. कह रहा है जब number of, हे भगवान, तो बड़ा dangerous मामला हो गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया. जब number of allocated frame increase हो जाए तो उस केस में क्या सिनेरियो हो सकता है, वो कौन सा एल्गोरिथम है. थैंक यू सो मच मेरे सभी साथी. 1% का कहना है कि एल्गोरिथम एलआरयू है, 2% का कहना है कि ऑप्टिमल है, 1% का कहना है एमआरयू है, मोस्ट रिसेंटली यू, यानी कि जिसको यूज करो उसे ही बाहर करो, और 96% का कहना है फीफो. तो क्या ऑब्वियसली हमने बिलेडी फॉलो किया है, तो करेक्ट आंसर है फीफो. इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? ओके सर, अगला एग्जांपल देखिए. ये क्वेश्चन पूछा जून 2016 में नेट में पूछा गया था. कंसीडर एक रेफरेंस स्ट्रिंग, इफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज, नंबर ऑफ पेज फॉल्स विद 3 एंड 4 पेज फ्रेम्स आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली. वेरी गुड, बहुत सारे लोग मुझे समझ आ रहा है कि सॉल्व करके आए हैं, और इसकी मुझे बेहद खुशी है. अब मुझे एक बात बताओ, क्या नाम था उस बालक का? अमित. बेटा तुम कह रहे हो तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं किया था बताओ. तो फिर तो बिलेडी छोड़ो, पहले फीफो पे काम करो, कि पहले वाले में भी आपको कुछ और दिखा था. आज आपको चेंज लग रहे हैं, आज मैं नहा के आया हूं, ऐसा मैं कभी कभी करता हूं जिस समय मंगल अपनी सही दशा में हो. चलिए सर बताइए जल्दी से. हाँ, इसका कोई आंसर भेज दो भाई, ये ऐसे हैंडल नहीं होना मुझसे. इसको किसी ने सॉल्व किया क्या? ओके, थैंक यू सो मच. ये सर सॉल्यूशन है, एक बार जरा मैं देख लेता हूं. एक बच्चे ने थोड़ा अलग तरीके से क्या रिप्रेजेंट किया है. ये स्ट्रिंग हमारे पास है, कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी कोडेड लैंग्वेज में है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्या भाई. इसने ठीक से किया है, हालांकि फ्रेम नहीं बनाए, बट कोई बात नहीं, ये देख के समझ आ रहा है. 001 जहां जहां इसने इस तरह का लगाया है, कौन है ये भाई? भाई अक्षय. तो वहां वहां पेज फॉल्ट है, जहां नहीं लगाया वहां पेज फॉल्ट नहीं है. ठीक है, ये बात वैसे ठीक है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है
9,10, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं या आपको बात समझ आ रही है? ये सही बात है, इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वहां लगाऊंगा जहां कुछ अच्छी बात सिखानी हो आपको। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही से सॉल्व किया और ये देख के मुझे बहुत खुशी है। समझ आ गया समझ आ गया समझ आ गया, ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। ये देखिए ये क्या है, जून 2012, सिर्फ चार फ्रेम आई थिंक बोल रहा है और चार फ्रेम के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। धनंजय जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ गेट वाले की है। ओके पूरा का पूरा पैटर्न है 4321435432155। परसेंटेज ऑफ पेजेस दैट वुड फॉल्ट, परसेंटेज ऑफ पेज फॉल्ट दैट वुड अगर फीफो पेज रिप्लेसमेंट इफ इट इज यूज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट विल बी। अब आप जानते हैं इनकी व्याकरण, परसेंटेज क्या लिखा क्यों लिखा समझ नहीं आया, बट शायद अल्टीमेटली इसने आपसे पूछा वही था क्या कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने होंगे। सही बात है कि नहीं? ये क्या बात हुई, परसेंटेज ऑफ पेज फॉल्ट दैट वुड अकर इफ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज यूज फीफो पेज यूज विद द नंबर ऑफ फ्रेम्स विल बी। कायदे से इसने परसेंटेज ही पूछा है, नहीं और परसेंटेज के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, टोटल कितने रेफरेंस है, 83 आ रहा है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आधा क्वेश्चन बनाया और सुबह तक नशा उतर गया, फिर भूल गया कि रात में क्वेश्चन क्या बनाया, ऑप्शन कुछ और रख दिए, ऐसा होता है। ठीक है खैर, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी ही है, टोटल करेंगे तो काउंट करेंगे तो 10 पेज फॉल्ट्स होंगे। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं? ये सब बेबी क्वेश्चन है, मासूम क्वेश्चन है। ठीक है ये जरा ऑब्जर्व करिए, इसकी भावनाओं को समझिए। फीफो पॉलिसी ये चार है, ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बात बोल रहा है। ये पकड़े आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं? यहां पर आप देख रहे हैं इसने बोला है कि 100 डिस्टिंक्ट पेजेस हैं। यस 1 2 3 4 करते करते 100 तक गया और उसके बाद सेम ऑर्डर रिवर्स एक्सेस हुआ है, तो 100 99 98 एंड अप टिल 1 तक आया है ना, और पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने पेज फॉल्ट होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे को ज्यादा परेशान भी नहीं किया, लेकिन बजाय इसके कि पूरा स्ट्रिंग दे दे थोड़ा सा सोचने का मौका भी दिया। तब आप मुझे बताइए पहले जो स्टार्टिंग के 100 रेफरेंसेस हैं भाई, क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट रेफरेंस है सर, तो कोई हिट होगा क्या? नहीं, सबके सब पेज फॉल्ट ही होंगे, ये तो 100 के 100 पेज फॉल्ट है। बस सोचने वाली बात यह है कि जब आप 100 तक पहुंचेंगे सर तो मेन मेमोरी का कंटेंट क्या होगा, जो सबसे रीसेंट है। वेरी गुड, तो ऊपर से चलो तो 100 होगा, देन 99 होगा, 98 होगा और 97 होगा। सही बात है, बहुत अच्छे। तो अगले जो चार बार आप रेफरेंस करेंगे, नेक्स्ट 4 टाइम पेज फॉल्ट होगा कि नहीं होगा सर? नेक्स्ट 4 टाइम पेज फॉल्ट नहीं होगा, उसके बाद फिर से 96 टाइम पेज फॉल्ट होगा। तो आपसे पूछा टोटल कितना है, 100 पहले हुआ, 96 बाद में हुआ, ओवरऑल 196 पेज फॉल्ट। एक बार पूरा पैटर्न देखिए, वैल्यू देखिए, बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्या इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? बड़ी सिंपल बात है, ठीक है सर। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
ये नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। यहाँ पर ए आंसर करने वालों को मेरा सलाम, जो कि बंदूक पे ट्रिगर रख के एकदम बैठे हुए थे निशाना लगा के, समझ रहे हो। बाय चांस क्वेश्चन कुछ और आया, पर तब तक आप संभल नहीं पाए, मुझे बहुत खतरा लग रहा था 100 ना हो जाए, तो इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, बट ये मुझे करना पड़ा। चलिए लेट्स गो वन बाय वन। नाउ इट सेज अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम यूजेस फीस फॉर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी एंड एलोकेट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पेज। ये मैं पता है, कहानी मत सुनाओ। कैसे फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज रेफरेंस पेज फ्रेम्स allocated to a process sometime increase in page fault। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है ना? So this statement is true। Now second statement is some programs do not exhibit locality of reference। क्या ये बात भी सही है? हाँ भाई, locality of reference एक अंदाजा ही तो है। जरूरी है क्या कि हर प्रोसेस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस शो करे? नहीं, हो सकता है वो हर इंस्ट्रक्शन किसी अलग इलाके से मांगे, तो ये बात भी सही है। बट जो देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, बोथ आर ट्रू बट क्यू इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर पी। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे, इसका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल पैटर्न है। होता क्या है ना, जिसकी जरूरत पड़ने वाली हो हम ठीक उसे ही बाहर करते जाते हैं, और उस पैटर्न को हम बोल रहे बिलिटी एनोमली। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। अब मुझे बताइए, किसी को डाउट है क्या? बात दोनों सही है, 10th-12th क्लास में भी इस टाइप के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना? लेकिन ये जो रीजन है, ये रीजन सही नहीं है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से बिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। बिलिटी एनोमली जब शो होता है वहां भी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हो सकता है। Please observe this point. Gate 2007, it was a 2-mark question. कोई बात नहीं, अभी बताइए, अभी समझ पा रहे हैं कि नहीं? अभी क्लैरिटी है सभी को? ओके, अब जरा अगला क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। Which page replacement policy suffers from BLD anomaly? LRU, LFU, FIFO या Optimal? Net June 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था सर। बहुत अच्छे, LFU को ही आंसर करे तो मजा है। किसी ने खैर किया नहीं, मेरा दिल टूट गया। 2% लोगों ने किया है LRU, 0 ने LFU किया है, 97 ने किया है FIFO, और 1% ने किया Optimal। अच्छा, मुझसे बिल्कुल मत पूछेगा LFU क्या होता है, शायद इसकी फुल फॉर्म, हाँ वेरी गुड, शायद होनी चाहिए लास्ट या लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। पर कोई ऐसा क्यों बना रहा है और ऐसा करके उसे क्या मजा मिल रहा है, मैं नहीं जानता। Why we use the word suffer? Okay, धनंजय पूछ रहे हैं। जैसे वो बचपन में लिखते थे आप एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, write a letter for leave for 2 days, I beg to say that I have been suffering from fever, suffer। तो suffer करने का मतलब होता है problem में होना, yes, है ना? तो अगर आप किसी चीज से परेशान हैं, तो आप बोलते you are suffering। भुगतना, भुगतना बहुत अच्छा शब्द है हिंदी का, यस। सफर मतलब होता है भुगतना, कह सकते हैं, सही बात। खैर, तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूं, ये बताइए, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बिलेडी एनिमली में अकर। आप देख रहे हो मिथुन चक्रवर्ती की तरह, मुझे पता है कि बहुत हैवी फायरिंग होगी, लेकिन मैं निडर होके कभी इधर से कभी उधर से मैनेज कर ही लेता हूं।
सो अगेन द आंसर इज फीफो। बैक टू बैक कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बट इस बार भी 2% लोगों का कहना था कि आंसर है एलआरयू। एलआरयू नहीं सर, फीफो ही बिलेडी एनोमली से सफर करता है। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अच्छा ये देखिए, इसका आंसर बताइए। स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, उनके बाद ऑब्जर्व करना है। कंसीडर अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम विद फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर एन आर्बिट्रेरी पेज एक्सेस पैटर्न, आर्बिट्रेरी पैटर्न इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स इन मेन मेमोरी विल। फिर वही बिलेडी है, लेकिन थोड़ा सा बात को ट्विस्ट कर दिया। ऑलवेज डिक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, नहीं जरूरी नहीं है। ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, इन लोगों से मुझे जानना है, इनसे मुझे मिलना है पर्सनली। मैं इनको एरोप्लेन की टिकट भेजूंगा। इनका कहना है कि नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ाने से हमेशा पेज फॉल्ट इंक्रीज होता है। हाँ, दिल्ली नहीं बुलाऊंगा, नहीं अफगानिस्तान भेजूंगा। आप सोचिए, कभी कभी नहीं, इनका मानना है कि हमेशा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। समटाइम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। सर बिलेडी भी कभी कभी होता है फीफो में, हमेशा नहीं होता। और 0% वोट मिले, इसको भी कुछ मिलता तो मुझे अच्छा लगता कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लो। खैर, सो अगेन दैट वाज आल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ न्यूमेरिकल, इसको ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या है। कंसीडर अ प्रोग्राम हैव 5 वर्चुअल पेजेस नंबर फ्रॉम 0 to 4 इफ द पेज फॉर आर रेफरेंस ऑर्डर दिस 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 विथ 3 पेज फ्रेम्स देन द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स पूछ रहा है। कमाल है भाई। सेवन परसेंट वोट मिले हैं ऑप्शन ए को, कमाल हो गया। 3% मिले हैं बी को, 19% मिले हैं सिक्स को, 71% मिले हैं डी को। अब इसके आगे मैं क्या पढ़ाऊं सर। जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मेमोरी में पहले से कुछ होता है कि नहीं होता, मुझे बताइए। अच्छा, इसने बोला था 3 पेज फ्रेम है, ठीक है 3 बना लेता हूं। अबे 4 पेज फॉल्ट तो होने ही होने थे, ये तो अलग अलग जो पहली बार लोड कर रहे हो तो पेज फॉल्ट हो गई होगा। ये कौन सा चमत्कार है, ये खुदा के कौन से लोग हैं जो 0 में कर दिया, क्या होगा ही नहीं। इनके अगर मुझे नाम पता लग जाते ना, इनके लिए मैं जरूर कुछ करता। बट खैर चलिए, तो करेक्ट आंसर है 9। यहाँ पर ओवरऑल 9 पेज फॉल्ट होते हैं, कर सकते हैं, साधारण क्वेश्चन है। तो इतने सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछे गए हैं और इन सारे क्वेश्चंस में फीफो का ही आइडिया था। तो मुझे बताइए, फीफो पे सर अगर क्वेश्चन पूछा जाए और उसके बाद भी आप गलत करके आए तो क्या समाधान है इस बात का। अफगानिस्तान, तालिबान, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जैसे अफगानिस्तान से हो सकता है एक बार जिंदा वापस आ जाए। दोबारा इन उसको मत धकेलो प्लीज। बबलू यूनिवर्सिटी है सच में कोई, क्या बबलू यूनिवर्सिटी सच में है क्या? इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। मैं नहीं यार,
गूगल भी कह रहा है कि क्या सर्च कर रहे हो। बबलू कुमार की प्रोफाइल आईडी दिखा रहा है। बबलू कुमार लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड वेरी बेस्ट स्टडी एंड वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस बेस्ट टीचिंग, ऐसी तेजी कर दी इंग्लिश की। इसका नाम बबलू ही होना चाहिए था। और ओ नहीं मेरी बात सुनो, एक वेबसाइट है सुपर प्रॉफ डॉट इन, और बबलू कुमार टीचर है, बच्चे ढूंढ रहे हैं, 100 रुपए घंटा चार्ज करते हैं, इसे मैं कम से कम 500 रुपए घंटा दूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड वेरी एंड वेरी बेस्ट स्टडी एंड वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस बेस्ट टीचिंग। आई एम ए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड पार्ट टाइम जॉब एंड पार्ट टाइम जॉब एंड डेटा एंट्री जॉब एंड सर्च जॉब इन प्लीज गिव मी जॉब। अब यार इसको काम मिलना चाहिए भाई। हैशटैग मोदी रोजगार दो, ये तो इसे देखने का अधिकार तो आपका भी है, ये अधिकार से मैं आपको वंचित बिल्कुल नहीं रख सकता। ऐसा करके मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा न्याय करूंगा। देखो भाई देखो, ये बब्लू यूनिवर्सिटी से क्या आज खजाना मेरे हाथ लगा। ये है सर हमारा, वो क्या बोलते हैं उसको, हमारा 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 यूथ यूथ है, यूथ शक्ति है। देखिए बबलू से क्या मेरे हाथ लगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड वेरी बेस्ट स्टडी एंड बेस्ट एक्सपीरियंस बेस्ट टीचिंग। आई एम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड पार्ट टाइम जॉब एंड डेटा एंट्री जॉब एंड सर्च जॉब इन प्लीज गिव मी जॉब। खेल गया लड़का ये। देखो कहता है फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी इज दिल्ली, ओ भाई गेम कुछ और है, इसने अपना यूनिवर्सिटी खोली है कहीं पे, ये कुछ और चक्कर है। कह रहा फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, इट्स नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलिए खैर, 100 रुपये घंटा मांग रहे हैं बबलू जी, एंटरटेनमेंट के लिए तो दिया ही जा सकता है। चलिए सर, अगला जो एल्गोरिदम है वो है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है इसके बारे में मुझे बताइए। लेकिन अब देखिए एक पॉजिटिव साइड देखिए इस बंदे की, एक एक पॉजिटिव बात भी नोट करो, ये बंदा इंग्लिश कैसी भी हो सकती है अपन नहीं जानते, वी शुड नॉट जज इट, बट ये कोशिश कर रहा है सर। इसने एक वेबसाइट ढूंढ ली, मुझे नहीं पता किसने बताया होगा बबलू को, सुपर प्रॉफ डॉट इन। आप और मैं बैठ, मतलब मुझे तो छोड़ दो खैर, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं हम जीवन में क्या करें, ये बैठ रहा है, हिम्मत करके इसने 100 रुपये घंटा मांग भी लिए, मिले ना मिले अलग बात है, कोशिश तो कर रहा है। नहीं हो सकता है कोई टिंकू आए पढ़ने के लिए, टिंकू जब ये पढ़े टिंकू को लगे कि यार ये ऐसी इंग्लिश लिख रहा है, ये भाई साहब कोई नेक्स्ट चीज है, हो सकता है टिंकू इसका स्टूडेंट बन जाए, हो सकता है ना। कोशिश करनी पड़ती है सर। ठीक है तो बताइए ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का क्या आइडिया है। यहां पर हम फ्यूचर देखते हैं, और फ्यूचर देखने के बाद जो पेज बहुत लंबे समय तक यूज नहीं हुआ उसको विक्टिम बना के बाहर कर देंगे। यस, तो अगर 7 यहां पर है पेज फॉल्ट, 0 पे पेज फॉल्ट, 1 पे पेज फॉल्ट, अब 2 आना था, तो देखिए 2 पे क्या किया होगा, 2 तो अंदर आने ही, फ्यूचर देखा क्या 0 यूज हो रहा है, उसे सेव कर लिया। उसके बाद 7 और 1 में पहले कौन यूज हुआ, यहां देखिए 1 पहले यूज हुआ है, तो 7 सबसे बाद में यूज हो रहा है, तो 7 बन गया विक्टिम और 7 की जगह आ गया 2, पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे। उसके बाद 0 पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ, फिर देखिए 3 पे पेज फॉल्ट, और रुक जाइए यहां पे हमारे पास कंटेंडेड 2 0 1,
सबसे पहले जीरो आया, सेफ हो गया, उसके बाद टू आया, सेफ हो गया, वन सबसे लंबे समय तक यूज नहीं हो रहा तो वन बन गया विक्टिम, वन की जगह आ गया थ्री। जीरो पे पेज फॉल्ट नहीं, फोर पे फिर पेज फॉल्ट, फिर ऐसा ही करिए, आगे का पैटर्न देखिए, टू और थ्री पहले आ रहा है तो जीरो बनेगा विक्टिम, जीरो की जगह आ जाएगा फोर, इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसने इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रखी, इसने इसका नाम रखा है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। भाई साहब जब आप फ्यूचर देख के जज करेंगे किसको अंदर रखना है किसको बाहर करना है, तो आप मुझे बताइए क्या ये गारंटी करेगा मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स? जी हाँ, क्या कोई और एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ पेज फॉल्ट इसकी बराबरी कर सकता है? बराबरी, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बराबरी कर सकता है किसी पैटर्न में, उसकी हम गारंटी नहीं ले रहे। लेकिन अगर ऑप्टिमल कह रहा है जैसे इस केस में कि भाई साहब मैं 9 में कर रहा हूं, तो क्या कोई उसको 8 में कर सकता है? नहीं कर सकता। इट इज अ प्योर एप्लीकेशन ऑफ ग्रीडी आइडिया, सो इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड कि भाई साहब ही ऑप्टिमल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स देगा। लेकिन अगेन मजे की बात है, क्या किसी को फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रिंग पता होता है? नहीं। शॉर्टेज ऑफ अस याद है आपको? शॉर्टेज ऑफ अस या SRTF जो उसका प्रिमिटिव वर्जन है CPU शेड्यूलिंग में, किस बात की गारंटी दे रहा था? मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। लेकिन जब उससे कहा कि चलो ठीक है, फिर बोला नहीं वो मैं रन नहीं हो सकता, मैं बस ऐसे बोल रहा था, है? तो वो भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। फॉलो कर पा रहे? कैन वी से लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? कैन वी से लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गो? मतलब अमित क्या बोलना चाहते हो बेटा? कुछ कंफ्यूज होगा लिखते हुए। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, इसने लिखा है अगली स्लाइड पे, इस बात को पहले जरा कंक्लूड कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वरना तो पता नहीं क्या कर देता। अनफॉर्चुनेटली ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। अभी भी डिफिकल्ट लिख रहा है, इम्पॉसिबल नहीं लिख रहा, बिकॉज इट रिक्वायर फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग। तो फ्यूचर नॉलेज हमारे पास है नहीं, इट इज मेनली यूज फॉर कंपेरिजन स्टडीज, बाकी एल्गोरिथम की के साथ अगर तुलना करनी हो किसने अच्छा किया किसने खराब किया, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज लाइक सेम थिंग, यू नो कि मैं एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करूंगा, बट शर्त है कि पेपर मुझे पहले से पता हो। कुछ वही आइडिया होगा ना, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है सोचने में। मैं एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करूंगा, बट शर्त है कि पेपर पहले से पता हो। बहुत खूबसूरत। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो क्या ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम दिस शेड्यूलिंग का है, पार्ट है क्या? नहीं, आप तो बहुत गलत जा रहे हो। अभी हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, एक आइडिया होता है, मेन मेमोरी में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं जिसमें किसी को बाहर करना पड़ता है, उसका ही आइडिया है। अच्छा, डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में टाइटल से आप पूछ रहे हो। ओके ओके ओके। एक्चुअली ये सब्जेक्ट खत्म होने वाला है ना, पांच क्लासेस इसमें बची होंगी, तो ये सही वक्त नहीं है सब्जेक्ट को यहां से पकड़ के स्टार्ट करने का। मेमोरी मैनेजमेंट के लगभग एंडिंग पार्ट में हम हैं। यस, हेलो यतिन, गुड इवनिंग। तो इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन रहेगा सर, थोड़ा पहले से आप स्टार्ट करके इस पे काम करो। ये बताइए जरा, गेट 2014 टू मार्क क्वेश्चन ऑप्टिमल से सॉल्व करना था और पेज फॉल्ट्स बताने थे, क्या आंसर आया? 7 आया। किसी को डाउट है क्या? कोई आप लोगों ने सॉल्व किए? सुबह एक बच्चा था, उसने अभी फ्राइडे को ही ज्वाइन किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, याद है आपको क्या? सुमन, सौमन, ऐसा कुछ नाम था। सोहम, आप लोग को याद है?
अच्छा, ये मुझे नाम ऐसे याद आ गया कि वो अगर आप में से किसी ने ये किया होगा ना, इनका श्री श्री रविशंकर वालों का कोर्स होता है, सुना है आपने? किया किसी ने? यस कोर्स, यस प्लस कोर्स। अच्छा, वहां कराते हैं। सो हम वो वाला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग। यस यस, आर्ट ऑफ लिविंग मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इट्स अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। खैर, मैंने जीवन में एक्सपेरिमेंट सारे किए हुए हैं, पता नहीं कहाँ ज्ञान मिल जाए रुचा जी। नहीं, कोशिश करके देखता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हालांकि अब मैं देख रहा हूँ इसको मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे याद आया टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं 10 दिन के लिए बाबा रामदेव के पास चला जाऊं। आई वॉन्ट टू गो इन टू पतंजलि फॉर 10 डेज फॉर अ योगा कैंप, बट अब मैं देख रहा हूँ कि टाइम मैं कैसे मैनेज करूंगा। अबे राम रहीम तो जेल में शुभ शुभ बोलो भाई, रामदेव रामदेव। चलिए खैर, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे मुझे बहुत दिन से मन है। रामदेव कैसे वेट कम करेंगे? नहीं खाएंगे तो हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, इजंट इट? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ये क्लैरिटी मुझे बचपन से, भाई नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे, इसमें कौन सी साइंस है? और खाते रहोगे तो फिर रामदेव ही क्या करेंगे? इसकी भी एक कहानी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी एक हफ्ते पहले मैं पतंजलि के एक सेंटर पे गया था, मैंने बताया था ना आपको, बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया मैंने। मैं पतंजलि के एक स्टोर पे गया, वहां पे एक वैद्य बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो इनसे मैं अपनी आंखों की बातें करता हूँ, है ना, तो उनका जो परामर्श कह रहे। मैंने कहा सर आंखों में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, बताया था ना मैंने, चश्मा भी लगा हुआ है। कह रहे कितनी देर काम करते हो? मैंने कहा 15-16 घंटे। कहते और क्या करते हो? मैंने कहा यही करता हूँ। कहते फिर रामदेव क्या करेंगे, जाओ करते रहो। ये आई ड्रॉप भी मैं लेके आया था आज तक, मुझे लगता है मैंने सब, ये देखो ये तो भाई ओपन ही नहीं की मैंने आज तक, ऐसी रखी हुई है, ऐसा ओपन करूंगा। चलो आज आपने याद दिला दिया। ऐसा लिखा है कि ये आई ड्रॉप डालने से आंखों की समस्या हल हो जाएगी। अभी कैसे हल होगी, आंखें ही तो नहीं। परमानेंटली मामला सेट हो जाए, ठीक है, फिर पहले एक आंख में डाल के देखूंगा। ओके, इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं तीन। लेकिन देखिए, फन अपार्ट, मुझे रामदेव पे पूरा विश्वास है, डोंट वरी। यहाँ देखिए, एक पेज फॉल्ट इधर हुआ, एक पेज फॉल्ट इधर हुआ, एक पेज फॉल्ट इधर हुआ, तो ओवरऑल कितने पेज फॉल्ट हो गए? 3 पेज फॉल्ट हो गए। यस, आगे देखिए, जब 4 को हम एक्सेस करेंगे तो जैसा अपन देख रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस देखते हैं, 2 यूज हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, तो 3 को पकड़ के बनाओ विक्टिम, तो 3 की जगह आ जाएगा 4, 1 और 2 अपनी जगह रहेगा, फिर 2 जगह पेज फॉल्ट नहीं होगा, 5 पे पेज फॉल्ट होगा, फिर फ्यूचर देखो, तो फ्यूचर में 2 यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है, 1 यूज नहीं हुआ, 1 को बाहर का रास्ता दिखाओ, 5 to 4 एज इट इज रहेगा, 2 3 फिर पेज फॉल्ट होगा, फिर फ्यूचर देखो 2 और 4 यूज हो रहा है, तो 3 की जगह 5 की जगह ले आओ, 3 2 और 4 एज इट इज यूज होगा, यूज होगा। अब जब 6 को अंदर आना है, किसी को भी बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा देख लेते हैं, 4 अभी यूज हुआ है, 2 अभी यूज हुआ है, 3 यूज नहीं हुआ, 3 को बाहर निकाल देते हैं, दैट इज इट, 1 2 3 4 5 6 7, तो बिल्कुल सही बात है, 7 पेज फॉल्ट होंगे। फॉलो कर पा रहे? आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप हरिद्वार जाए तो वहां से सुल्फे की गोलियां ले आए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा डार्क हॉर्स? बताओ,
नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ये, नहीं तुमको बेटा ऋषिकेश में फेंकूंगा, गंगा में, हरिद्वार में निकालूंगा, सुल्फे उल्फे सब भूल जाओगे तुम। देखो जरा ये गेट 2007 टू मार्क क्वेश्चन है, ऑप्टिमल की बात कर रहा है, क्या आंसर है बताइए। अब प्रोसेस हैज बीन एलोकेटेड थ्री पेज फ्रेम, एज्यूम दैट नन ऑफ द पेजेस ऑफ द आर अवेलेबल दैट वी नो, द प्रोसेस मेक्स द फॉलोइंग सीक्वेंस पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, इफ द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज यूज्ड एंड हाउ मेनी पेज फॉल्ट्स। तो डायरेक्ट पैटर्न है, स्ट्रिंग देखनी, आंसर करना है। करेक्ट आंसर होगा 7। आई थिंक हर कोई आप में से सॉल्व कर सकता है, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, बताइए सही बात है। आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा ये डायरेक्ट एल्गोरिथम का अप्रोच पूछ रहा है आपसे, इसकी भी बात सुन लो भाई एक बार। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विल सेलेक्ट द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द पास्ट, विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर, हैज बीन यूज लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स या हैज बीन यूज मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। किसको बाहर करना है? वेरी गुड, तो बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट आंसर है बी। मुझे पता नहीं फिर भी इतने कम परसेंटेज कर, 83%, और ज्यादा तरीके से आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि बिल्कुल डायरेक्ट पैटर्न है, करेक्ट आंसर है बी। मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं? 12 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, अगर किसी ने एक भी गलत किया होगा तो टॉप 10 में उसकी जगह नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सही आंसर करें, टाइम लेके करें और पहले से थोड़ा सा होमवर्क करके आए तो चीजें बहुत सही तरीके से आगे बढ़ेंगी। मैं दिखाऊंगा उस दिन, मुझे आप बता देना बस, गेट भाई एक बार बता देना। अच्छा ऑप्टिमल की बात हो गई, अब बात करते हैं रिसेंटली यूज एलआरयू की। तो जो सबसे प्रैक्टिकल एल्गोरिथम यूज हो सकता है और जिसकी अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सर एलआरयू। एलआरयू का क्या मतलब है? लीस्ट रिसेंटली यूज, यानी कि जरूरत पढ़ने पे अगर स्पेस नहीं और किसी को बाहर करना है तो किसको बाहर करेंगे? एलआरयू के हिसाब से किसको बाहर करना है? जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये डायरेक्ट मुझे बताइए, क्योंकि ऑप्टिमल तो चीटिंग कर रहा है, क्या ये परफेक्टली मैं बोलता हूं लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस पे बेस्ड है? इज दिस आइडिया बेस्ड ऑन लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस? यस। क्योंकि आइडिया क्या है, देखिए जो बहुत लंबे समय से यूज नहीं हुआ, क्या इस बात की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कि वो आगे भी यूज ना हो? हाँ, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यही कहता है, तो क्यों ना उसी को विक्टिम बना लिया जाए, है ना? क्या जितने एल्गोरिदम इंप्लीमेंटेबल हैं उनमें आमतौर पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी पाई जाएगी? यस। अच्छा देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं, ऐसे एक्सेप्शनल स्ट्रिंग्स हमेशा बनाए जा सकते हैं जिसमें हो सकता है किसी केस में आपको लगे कि फीफो इससे बेटर कर रहा है, बट क्या उससे आपको घबराने की जरूरत है? नहीं, उससे घबराना नहीं है सर, क्योंकि इन जनरल लॉन्ग रन में तो कौन ही बेटर करेगा बताइए? एलआरयू ही बेटर करेगा, सबसे लॉजिकल आइडिया यही है। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? अच्छा इसके बारे में अगर कुछ खास बातें अच्छा इसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करता हूँ, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। पहले आप मुझे क्वेश्चन जरा बैक टू बैक देखिए, उसके क्वेश्चन बताइए सर। क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे इस टॉपिक से, जुलाई 18 में क्वेश्चन पूछा था ये, अगर आपने सॉल्व किया हो। कंसिडर अ वर्चुअल पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, सपोज LRU page replacement algorithm is used to implement with three page frames in the memory, then the number of page faults are
कितने पेज फॉल्ट सर होंगे यहाँ पे, लेट मी गो वन बाय वन। सारे क्वेश्चन किए, हैप्पी कह रहा है, वेरी गुड हैप्पी। मैं क्योंकि पहला केस है इस पैटर्न पे, तो ये मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है। ओके, एक एक करके बात करते हैं आगे। सबसे पहले वन पे देखेंगे तो पेज फॉल्ट होगा ही होगा, उसके बाद टू पे देखेंगे, वन पे पेज फॉल्ट, टू पे पेज फॉल्ट, और फाइनली थ्री पे देखेंगे तो वन टू एंड थ्री। ये तीन तो पेज फॉल्ट होने ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। टू पर नहीं होगा, फर्दर फोर पे होगा। लेकिन अब मैं यहां से बैक जाऊंगा, देखूंगा टू यूज हुआ इंपॉर्टेंट है, थ्री यूज हुआ इंपॉर्टेंट है, वन सबसे लंबे समय से यूज नहीं हुआ, इसको बाहर का रास्ता दिखाइए। टू पर पेज फॉल्ट नहीं होगा, फाइव पे फिर होगा, फिर मैं वापस जाऊंगा, टू और फोर यूज हुआ है तो बच जाएगा, थ्री यूज नहीं हुआ उसकी जगह आ जाएगा फाइव। टू यूज हुआ इंपॉर्टेंट है, थ्री पर फिर पेज फॉल्ट होगा, फिर वापस देखिए टू और फाइव यूज हुआ है। आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई कितनी भी कोशिश कर रहा है, कोई टू को विक्टिम नहीं बना पा रहा। बताओ क्यों? टू को कोई विक्टिम नहीं बना पा रहा, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि टू बार बार यूज हो रहा है, और क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, एलआरयू के हिसाब से हमें समझ आ रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, शायद ये फ्यूचर में और भी यूज होगा, तो इसको बाहर नहीं करते। बताइए जरा, पैटर्न देख के, आइडिया देख के बात समझ आ रही है क्या? ठीक बात है। तो आंसर क्या हुआ? एक दो तीन चार पांच छह सात। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात सभी को? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। ये मुझे बताइए न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, क्या है? एक रेफरेंस स्ट्रिंग है, बहुत लंबी सी स्ट्रिंग दे दी है। नेट वाले इतने निर्दयी हैं, समझ नहीं आता भाई, पेपर है, प्रेशर है, क्या ये ड्रामा है? Suppose a demand page virtual memory system is running on a computer system such that the main memory has three page frames. Main memory के पास तीन page frame है. Then dash page replacement algorithm has the minimum number of page faults. इस question को जो solve करके देख रहा है और इस question में जो अलग अलग answer कर रहे हैं, हे भगवान, A, B, 27 एंड देन 68, क्या मैं बताऊं भाई साहब, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था। ये थ्योरी क्वेश्चन था, जब बोल रहा है मिनिमम नंबर, तो फीफो मिनिमम, या तो आप सॉल्व देखो, सॉल्व करके भी देख लोगे तो चलो लंबा रास्ता है, चार बार सॉल्व करना पड़ेगा, बट आंसर तो तब भी डी आना है। अमित कह रहा है लो इसने बेचारे ने करके भी देख लिया, सर एलआरयू में गरा 10 आए, ऑप्टिमल में किया 8 आए, चलो या तो ये कर लो। लेकिन उसके बाद अब सॉल्व नहीं के अंदाजा लगा, मुझे नहीं पता ये एबीसी वाले लोग कौन है। ये एक अच्छी बात किसी भाई ने की है, कह रहा है क्योंकि उसने लिखा रनिंग ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, इस बात का मतलब है कि अब आंसर डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो इंप्लीमेंटेबल था नहीं, इसीलिए हमने एलआरयू किया है। आपको लगता है नेट वालों में इतना दिमाग होगा जितना आपने लगा दिया? ये बात उन्होंने सोची भी नहीं होगी जितना आप सोच रहे हो। जिस बुक से छापा होगा वहां रनिंग ऑन कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी लिखी होगी। ये खेल गए आप, कभी कभी ज्यादा सोच लिया, कोई बात नहीं। खैर, इसका आंसर डी ही है सर, मतलब ऑप्टिमल से करेंगे ऑब्वियसली, तो सबसे कम पेज फॉल्ट वहां पे
आएंगे। सही बात है, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, गेट 2017 में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। अगेन ये मैं थोड़ा सा मिक्स पैटर्न भी याद दिला रहा हूं, जहां पे बिलेडी बट उसके अलावा उसके अदरवाइज भी जो क्वेश्चंस हैं, अभी तक मैं सिर्फ इंडिविजुअल एल्गोरिथम ही पूछ पा रहा था आपसे। रिकॉल दैट, कह रहा है याद करो, हम भूले नहीं है, कैसे याद करें। रिकॉल दैट बिलेडी एनोमली इज दैट द पेज फॉल्ट रेट में इंक्रीज एज द नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड इंक्रीज। और ये बहुत पुराना नहीं, 2017 में फिर रिपीट किया गया है। और दो स्टेटमेंट है, लेट मी राइट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मेरे दिल के बड़े करीब है ये। 7%, 52%, 3% एंड 38%। लेट मी गो वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट देखिए, S1, रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम बिलेडी। LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर। पहले मैं S2 को पढ़ना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, पहले मैं S2 को पढ़ूंगा। S2 कह रहा है LRU भी बिलेडी से सफर करता है। एक मिनट का मौन रखिए उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे ट्रू मार्क किया है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है ना, ये बर्दाश्त के बाहर है। LRU बिलेडी से सफर करता है, इन लोगों को माफी की कोई कोई ऑप्शन, कोई तरीका ना हो। अब जरा S1 पढ़िए, है ना। रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम बिलेडी एनोमली। एवरी ऑर्डर कम्स आउट ऑफ अ डिसऑर्डर। यहां पे अब मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, 38%। जब इसने रैंडम लिखा, यार रैंडम के अंदर तो फीफो भी हो सकता है, नहीं हो सकता? ओहो, ये गेम खेल गया आपके साथ। आज तक आपको बताया गया था सिर्फ फीफो के अंदर बिलेडी हो सकता है, लेकिन भाई रैंडम के अंदर तो सब हो सकता है। सोचो ना, ब्रैकेट में मन नहीं भरा, इसने लिखा वेयर अ पेज इज चूजन एट रैंडम इज रिप्लेस सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ रैंडम कुड बी फीफो एंड इफ इट इज फीफो देन इट कुड सफर फ्रॉम बिलेडी, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया भी गया था कि कई लोग इसमें डी आंसर करें। जिन्होंने ए या बी किया, ए या सी किया, वो तो अलग लेवल पे खेल रहे हैं। ए या सी वालों की बात नहीं कर रहा, बट रैंडम में बाकी सब है तो ऑलवेज ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा ना। आप चलो, ऑडियो पाने का समय नहीं है। जब ये बोलता है सफर्स फ्रॉम बिलेडी एनोमली, तो बिलेडी एनोमली क्या ऑलवेज प्रॉब्लम बोलता है सर? अच्छा, मजे की बात, ओहो, एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं, इसमें लिखा है ऊपर डेफिनेशन अलग से। सो यहां पर कौन सा वो शब्द है? ये वो शब्द है सर। तो इसने, आप कंफ्यूजन हो, कह रहा ओ ये नहीं पढ़ा होगा ना बेटा अमित, ओ मिस हो गया। मजे तो मैं बहुत ले सकता हूं, लेकिन समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं आगे बढ़ना ही उचित समझूंगा और अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करेंगे। ये देखिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत लंबा सा इसने स्ट्रिंग लिखा है, पता नहीं क्या सोच के क्वेश्चन बनाते हैं। Consider the following page reference string. Which of the following option gives the correct number of page faults related to LRU, FIFO and optimal page replacement respectively, assuming 5 page frame and all page frames are initially empty. यार ये इंसान नहीं है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर कोई शॉर्टकट नहीं है और ये क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा भाई? LRU से, FIFO से, ऑप्टिमल से, छी। अच्छा बदतमीजी, देखो स्ट्रिंग की लेंथ देखो जरा, चल 4-5 नंबर का दे दिया होता। करेक्ट आंसर है बी, ठीक है।
64% लोग मार्क करें तो मान रहा हूँ करेक्ट होगा। हालांकि ऑप्शंस घटिया बनाए हैं क्या, ऐसा चूज करो कि मान लीजिए अगर इसका आंसर 8 आया तो बाकी छट जाएगा। बट खैर आपको स्टार्टिंग में तो नहीं पता था ना आंसर बी होगा, हाउ डू यू नो दैट, तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। बट खैर इसमें कोई नई बात नहीं है, ये वो लोग हैं जिनसे बोले टफ पेपर बनाना, कहते ठीक है सर टफ बना देंगे, ये बना देना ना टफ। ओके ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा 2016 में, कैंपा कोला 2016 ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ भी एक अच्छी खासी लंबी स्ट्रिंग है, नेट अगस्त 2016 में सपोज दैट अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस हैज 8 पेजेस एंड फिजिकल मेमोरी हैज 4 पेज फ्रेम्स, इफ द एलआरयू रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज डैश नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अकर विद द पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। कितने लोग हैं जो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, आप तो पागल हो गए होगे भाई है? बहुत बढ़िया, ये सारे क्वेश्चन आपने खुद से स्ट्रिंग बना बना के सॉल्व किए हैं, 2 घंटे लग गए, बहुत अच्छे 2 घंटे आपने बिताए, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको, वेरी गुड। अगर आप सॉल्व करके आ रहे हैं सर यही तरीका है सेलेक्ट होने का, इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यस चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्या ये कहानी बोल रहा है, इसकी भावनाओं को समझिए, मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। किसी किसी दिन आप लंबे से बैठ के पढ़ाई करोगे ना आपको मजा ही आ जाएगा, थोड़ा दर्द होगा उस समय लेकिन बाद में आपको लगेगा कि यार यू आर ए चैंपियन ऐसा। अच्छा इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप मुझे वहीं टोक सकते हैं, हालांकि ऑडियो पे बुलाऊंगा मैं। विभोर लिख रहा ना 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 ना, कंसीडर अ मेन मेमोरी विद 5 पेज फ्रेम, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेजेस इज दिस, अगेन लेंथी है बट 2 नंबर में दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड एलआरयू। तो एल्गोरिथम तो सिंपल है, कोई इसमें डाउट कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। फिर आपसे पूछा गया दोनों में सेम होगा या किस में ज्यादा किस में कम होगा, तो कोई टेक्निक तो है नहीं सर, यहाँ पर दोनों से आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बताइए करेक्ट आंसर, मेरे पास तो मार्क्ड है ऑप्शन ए जो कहता है कि दोनों में सेम है, सॉल्व करूं क्या मैं? आप लोग जो भेजते हो ना इमेज, क्या तो ए सही आंसर है, तो फिर ये 44% लोग वोट बी को कहां से मिल गए, ये लोग सॉल्व करके आए तुक्के मार रहे हैं है? सर अगर ए सही आंसर है वेरी गुड, श्याम ने होली भली खेली हो लेकिन लड़का देखो मेहनत करके आया। वेरी गुड बेटा वेरी गुड, देख लो भाई जिस जिसको कंफ्यूजन है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक बात है, तो आगे बढ़ते हैं। जून 2015 आज आपका बर्थडे है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह आपका जीवन बना रहे, आपके जीवन में खुशियां हों,
केक वेक कट किया आपने कि नहीं किया? अच्छा रात को, कल रात को ही कर लिया था ऐसा 12 बजे? अच्छा ये जो होली की पिक आपने लगाई हुई है, आपको रंग किसने लगाया है ये मैं जानना चाहता हूं। ऐसा होता है ना, कुछ बातें दिल के बड़ी करीब होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है चक्कर? फाइव परसेंट। अच्छा ये आजकल यार इंस्टाग्राम पे फिल्टर विल्टर भी चल रहे हैं। चलिए सर, एल आर यू। अरे वो मौसी के यहाँ गया है ना भाई, अगस्ती वास्तु शास्त्र का कुछ करने के लिए गया है। कैसे भूल जाते हो आप लोग? एल आर यू पेज रिप्लेसमेंट इज यूज्ड। कुछ लोग बहुत मासूम होते हैं। एक बार आपको एक छोटी सी किस्सा चलो बता देता हूं, आज बहुत सारे क्वेश्चन हमने मैच कर लिए। मैं और मेरे दो तीन दोस्त, शेयर्ड ऑटो आप समझते हो? शेयर्ड ऑटो दिल्ली में, शेयर्ड ऑटो मतलब वो एक जगह जा रहा था तो हम वहां बैठ गए, 10 रुपए वाला ना, ठीक बात है। तीन लोग हम बैठ गए, मतलब वो ऐसा करते हैं ना, कोई अच्छी सवारी मिल जाती है तो प्राइवेट भी चले जाते हैं, लेकिन अगर नहीं तो वो मतलब नॉर्मल ऑटो वो वैसे शेड में चल रहा है, अगर कोई मिल गया तो प्राइवेट भी चला जाएगा ऐसा। तो अपन तीन लोग बैठे हुए 10-10 रुपए वाले, इतने में दो लोग आते हैं, वो बात करते हैं इधर उधर जाना है, तो वो सिंगल सवारी मतलब उनको कहीं और जाना था, 100-150 रुपए में बात हो जाती है। तो कहता भैया उधर जाओ, कहा मतलब? कहता नहीं मुझे सवारी मिल गई, आप अगले में आ जाना। और उसकी बात गलत भी नहीं थी, वहां पता क्या होता है, आप जानते होंगे शेड वालों की लाइन लगी रहती है, कोई आफत तो है नहीं, इससे उतर के अगले में बैठ जाओ, क्या हो गया? पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा यार तू किस किस्म का आदमी है, तूने मुझसे वादा किया यार, तूने वादा करके बिठाया मुझे, वादा तोड़ रहा है तू अपना 100 रुपए के लिए। सौ रुपए के लिए वादा कैसे तोड़ सकता है तू? तूने बोला था तू लेके जाएगा 10 रुपए में, कह रहा हाँ, मैंने कहा फिर बस 100 रुपए के लिए, कह रहा छोड़ दो भैया मैं नहीं जा रहा, मैं ही नहीं लेके जाऊंगा। कोई बात। फिर बाद में मुझे लगा, मैंने कहा क्यों तूने बदतमीजी की है, बेचारे को कमा लेता 100 रुपए तो अगले में आ जाते, क्या हो गया? नहीं उसने तीन लोग और तीन चार लोग और बैठाए बैठाए होंगे उसमें, तो मान लीजिए 60-70 रुपए कमाए होंगे उसने, 20-30 रुपए का नुकसान हुआ होगा उसका ऐसा मान लो। बट लड़का मतलब पकड़ गया बात, कह रहा नहीं वादा नहीं तोड़ूंगा। आपने दे दिया होता 100 रुपए? सर इतना वो अभिमानी बच्चा था, वो मेहनत के लिए वादा नहीं तोड़ रहा, उसको क्यों उसकी हार्डवर्क को चैलेंज करना है, जो पैसा मेहनत बनता वो दो, इजंट इट? और मेरे पास अपने ही इतने पैसे नहीं होते थे भाई, मैं कहां से देता, ये भी बात सच है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रिंग देखिए, ये पैटर्न हमारे पास है, एल आर यू पॉलिसी है, 8 फ्रेम है, तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर भी, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये तो मन ऑलरेडी, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहे हैं मुझे, टिगेट 2014 2 मार्क क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास बात है क्या? अ सिस्टम यूजेस 3 पेज फ्रेम फॉर स्टोरिंग प्रोसेस पेजेस इन मेन मेमोरी। It used the least recently used algorithm policy. Assume that all frames are initially empty. Total number of page faults that occur while processing the bus. किस पे क्वेश्चन पूछा है? LRU पे आई थिंक।
तो स्ट्रिंग आपके पास है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आइडिया है, करेंगे आप तो आप मुझे बता रहे हैं आंसर आएगा 6। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया उन्हें डबल मुबारकबाद। ये देखो फिर ये निकाल के लाए नेट वाले, देख रहे हो ऐसा लग रहा है वो बैंक में क्लर्क भर्ती करते हैं ना, तो वहां देखते हैं कि कितनी स्पीड से कर सकता है। डोंट टेल मी किसने 2 बार कराया सॉल्व। हे भगवान ऐसा हुआ है क्या? दिस 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 द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। हे भगवान 2 बार कराया सर, एक बार LRU से कराया है, एक बार ऑप्टिमल से कराया है ना। मैं खुद ऐसा नहीं रहा लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मेरा एक दोस्त था, उससे पूछो कितने क्वेश्चन करके आया पेपर में, कह रहा 8 करके आया। बच्चे में तो कह रहा मन नहीं था, सच में उसे आता था मुझे पता है, कह रहा मन नहीं था। तो ये क्वेश्चन वो जरूर छोड़ के आता, क्या बेवकूफी, अब इतना लंबा स्ट्रिंग 2 बार दे दिया है। ठीक है खैर, बट करेक्ट आंसर होगा बी, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। LRU करेगा 10 में, ऑप्टिमल करेगा 7 में। मैं एक्स्ट्रा भी करके आता हूं एग्जाम में, क्या पता एग्जामिनर का ध्यान ना पड़े, है ना, पास हो जाओ। ये वाला ज्यादा नंबर मिल जाए। इसको ऑब्जर्व करिए सर, यहाँ पे इसने बस सारी अकलमंदी करके 1 2 3 4 को ABCD में पलट दिया, बस ये किया है इसने। फिर कह रहा यो 4 पेज है ABCD, फिर 2 बार सॉल्व कराया FIFO LRU। बताइए, ऑब्जर्व करिए, आंसर बताइए। सी को मिले सबसे ज्यादा 62% वोट, फीफो में आप बोल रहे हैं 9 और LRU में बोल रहे हैं 8। आई होप यही सही आंसर है। यस, ठीक है, यही किया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, गेट 2012 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग आपके पास है, अरेंजमेंट की बात कर रहा है ये। फिर भी चलो स्ट्रिंग का लेंथ बहुत ज्यादा इसने नहीं रखा और 2 नंबर का गेट का क्वेश्चन है, तो मान सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। कंसीडर अ वर्चुअल पेज रेफरेंस स्ट्रिंग ऑन अ डिमांड पेज वर्चुअल मेमोरी सिस्टम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर दैट द मेन मेमोरी साइज ऑफ 3 पेज फ्रेम व्हिच आर इनिशियली एम्प्टी। दिस 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 डिनोट द नंबर ऑफ पेज फॉल अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। कितना कितना आया ऑप्टिमल में, LRU में और फीफो में? फाइव, नाइन और सिक्स। ऑप्टिमल में 5, LRU में? LRU में 9 और फीफो में 6। गेम खेल गया है तो ऐसा है क्या? LRU में 9 और फीफो में 6। तो ये भावनाओं पे चोट है। और अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन बिना पढ़े आंसर किया है ए, अब आपको समझ आ रहा है ये ऑप्शन ए क्यों है, क्यों ये ऑप्शन है? इसलिए है सर, आदमी सोचेगा भाई क्या पूछ रहा है, अपने को पता है भेड़ू ऑप्टिमल सबसे मिनिमम होता है, देन LRU देन फीफो। ये बात सही है, बट क्या ये एवरेज परफॉर्मेंस है इन जनरल? जी हाँ, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि किसी स्पेसिफिक पैटर्न पे कोई गारंटी नहीं है, है ना, और हो सकता है फीफो की और LRU की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अलग अलग भी नजर आए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ सर? ऑप्शन बी, ऑप्टिमल तो सबसे कम होना था, एंड देन द फीफो एंड देन द LRU। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसे क्वेश्चन सॉल्व किए बिना एलिमिनेट किया जा सके थ्योरेटिकल बेसिस पे? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सी और डी, कैसे भाई? ये मैं इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, ये बात एक बार कंफर्म कर रहा हूं, कैसे? मैं दोबारा याद दिला दूं, क्या
एलआरयू या फीफो ऑप्टिमल की बराबरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि बराबरी नहीं हो सकती, हाँ उसे हरा नहीं सकते। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये केस देख के कहता है मैं तो थ्योरेटिकली सी और डी को बाहर करूंगा, सर ऐसा मत करिएगा, वरना आप जानते कौन बाहर होगा एग्जाम से। बात समझ आ रही है क्या? ऑप्टिमल को डिफीट नहीं किया जा सकता, जी हाँ उसके साथ टाई किया जा सकता है, बराबरी की लड़ाई हो सकती है, उसको आप हरा नहीं सकते। गेट पेपर लिखने में प्रोफेसर 1 साल लगा देते हैं, जी हाँ सही बात है। क्या क्या आंसर है भाई? स्ट्रिंग आपके पास है और एलआरयू और ऑप्टिमल। अच्छा एलआरयू एंड ऑप्टिमल पे आपको बताना था, तो आप मुझे बता रहे हैं कितना खर्चा होगा। आप मुझे बताया ना एलआरयू में लगेगा 9 और ऑप्टिमल में लगेगा 7, तो आंसर डिफरेंस क्योंकि पूछा था हो जाएगा 2। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सब लोग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इमोशनल क्वेश्चन है ये। बच्चा पूछ रहा है सर हमें जो क्वेश्चन मिलेगा सर वो क्या अभी तक बन चुका होगा क्या? सर इमोशनल क्वेश्चन है ये। बना होगा कि नहीं बना होगा मेरे को नहीं पता भाई, बट हो सकता है बन भी गया हो। आप लोगों की चुनौती जो है हो सकता है वो तैयार हो भी गई हो। अब क्या मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं? ओके जरा पहले बात कंप्लीट करता हूं, आज ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2016 का क्वेश्चन है ताकि इस आइडिया पे फिर दोबारा बहस हमें ना करनी पड़े। इसका आंसर बताइए क्या है। Consider a system with 10 physical page frames. The system is provided with a sequence. This A से लेके A1 से लेके A20, A1 से लेके A20, where AI is a distinct virtual page number. Distinct virtual page number, okay. The difference in the number of page faults in last in first out page replacement policy and the optimal page replacement policy. वन टू थ्री फोर ऐसा करते करते किधर तक इसको जाने का है? 20 तक, और फिर दोबारा 1 2 3 4 ऐसा करते करते किधर तक जाना है? 20 तक। आप मुझे बताइए कितने फ्रेम इनके पास है? 10 है सर। जब ये 10 पे पहुंचेगा, पहले ऑप्टिमल की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिमल की, जब ये 10 पे पहुंचेगा तो 1 2 3 4 से लेकर 10 तक का कंटेंट होगा हाँ के ना? पहले ऑप्टिमल की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब जब 11 पे पहुंचेगा तो बाहर कौन जाएगा, बस ये बता दीजिए। जब 11 पे पहुंचेगा तो बाहर कौन जाएगा? बाहर जाएगा 10। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? क्योंकि 1 2 3 4 सब यूज हो रहा है, 10 यूज नहीं हो रहा। वेरी गुड। तो 1 2 3 से 9 तक रहेगा और 11 जो है वो 10 को रिप्लेस करेगा। गेटिंग दिस आइडिया? ठीक बात। तो अगले पे कौन बाहर जाएगा? जब 12 अंदर आएगा तो इस बार 8 जाएगा, इस बार 11 जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक पहले, 11 बाद में है। तो अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं तो फिर तो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, 1 2 3 4 इधर तक 9 रहेगा, इधर 20 मिलेगा आपको। यस, पेज फॉल्ट तो होने ही थे, लड़ाई कंटेंट की थी। तो अब इसके अगले 9 पेज फॉल्ट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। 10वें नंबर पे पेज फॉल्ट होगा, बताइए बाहर कौन जाएगा? बड़े पागल आदमी है। 10वें नंबर पे पेज फॉल्ट होगा, बाहर कौन जाएगा?
कोई भी जाए 20 जाएगा कि नहीं जाएगा ये बता दो। 20 नहीं जाएगा सर। तो डू यू अंडरस्टैंड, 9 पेज फॉल्ट इधर बीच में नहीं होंगे और एक पेज फॉल्ट लास्ट में नहीं होगा, तो टोटल 40 में से 30 पेज फॉल्ट होंगे, 10 नहीं होंगे। हाँ के ना, ये बात समझ आ रही है? आउट ऑफ 30 इन केस ऑफ ऑप्टिमल देर विल बी, आई एम सॉरी, आउट ऑफ 40 देर विल बी 30 पेज फॉल्ट, और ऑप्टिमल 30 में कर रहा है तो कोई माई का लाल या लाली नहीं है जो इसे 29 में कर दे। सही बात, फिर भी क्योंकि डिफरेंस पूछा गया है एक बार ट्राई करते हैं। ओके, तो मुझे बताइए अगेन, जब तक 10 पे पहुंचेंगे ये बात तो सेम रहेगी, 1 2 3 से 10 तक क्या नाम रखा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑब्वियसली जब मैं 11 पे जाऊंगा तो बताइए कौन बाहर जाएगा। बट मुझे एक बार करके दिखाना है। तो सर 9 तक रहेगा, बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से जब आप 20 तक पहुंचेंगे तो 1 से 9 तक रहेगा और 20 आ जाएगा, ये 9 पेज फॉल्ट नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब 10 एक्सेस होगा अभी भी लास्ट इन 20 है, इजंट इट? अभी भी लास्ट इन 20 है, यूज भले 1 से लेके 9 तक हो बट आखिरी पेज जो अंदर आया था वो पेज नंबर 20 था। तो क्या होगा सर, 1 2 3 4 से आगे बढ़ेंगे, 10 अंदर आएगा, 20 बाहर चला जाएगा और लास्ट वाला भी पेज फॉल्ट होगा। तो सिर्फ 9 पेज फॉल्ट नहीं हुए, तो इधर होगा 31 माइनस 30 डिफरेंस आ गया 1 का, 1 इज द करेक्ट आंसर। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद आंसर आया 1, बताओ। खैर मुझे बताइए पैटर्न के हिसाब से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? क्लियर है बात सभी को? ओके, ये पैटर्न बताइए। मुझे पता नहीं मैंने इसको बाद में क्यों रखा है, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है? कंसीडर अ मेन मेमोरी विथ 3 पेज फ्रेम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग 2 4 3 2 लाइक दिस गोज, वन अज्यूमिंग दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इज इनिशिएटेड आफ्टर लोडिंग पेज 5 इन मेमोरी, देन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इन FIFO एंड द सेकेंड। अच्छा ओके, इसको रोक लीजिए अभी, बिकॉज अभी हमने किसकी बात नहीं की है, सेकेंड चांस रिप्लेसमेंट की। आई टॉक अबाउट इट, यस ये मैं समझ गया इसको मैंने बाद में क्यों रखा। लेकिन एक सबसे अजीबोगरीब क्वेश्चन जो आज तक गेट में पूछा गया वो था सर 2014। समय लीजिए, अगर आपने सॉल्व किया तो बहुत अच्छा, नहीं किया करके देखिए एक बार, मजा आएगा इसमें आपको। सेकंड चांस की बात बाद में करता हूं। इसको जरा एक बार ऑब्जर्व करिए, बताइए क्या कहानी है इसकी।
पैटर्न ऑब्जर्व करिए ध्यान से, टाइम कम पड़े तो मुझे बताइएगा, बट ये क्वेश्चन एफर्ट करने वाला है। कई बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन पूरा देखना पड़ेगा। ओके, लेट मी गो वन बाय वन। अ कंप्यूटर हैज 20 फिजिकल पेज फ्रेम विच कंटेन पेजेस नंबर्ड 101 to 120। अच्छा मैं ऑप्शन वैल्यूज तो बता दूं, बड़े कमाल की, आपको अच्छा लगेगा देख के। 26%, 26%, 20% एंड 29%। बाय गॉड ऑडियंस पोल हो जाए ना इसमें, कौन बनेगा करोड़पति में भाई साहब। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आंसर पहले से पता हो, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब किसी को कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। सो 20 है, 100 वन से 120 तक लिख रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ प्रोग्राम हैज एक्सेस द पेज नंबर 1 से लेके 100 तक इन दैट ऑर्डर एंड रिपीट द एक्सेस सीक्वेंस थ्राइस। तो दो बार भी करता तो शायद मैनेजेबल होता, बट कितनी बार कर रहा है, तीन बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी एक्सपीरियंस द सेम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स एज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन द प्रोग्राम। तो इसका मतलब पहले तो ऑप्टिमल से करें सर, कितनी बार करना पड़ेगा, तीन बार, चार बार या पांच बार? टेक्निकली पांच बार। पहले ऑप्टिमल से करें, उसके बाद इन सब से करें, फिर देखेंगे कहां मैच हुआ कहां नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस सीखने के लिए होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते आई विल गो टिल 100 एंड 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते आई विल गो टिल 100 एंड देन अगेन 1 2 3 4 5 6 अगेन विल गो टिल 100। पहले सॉल्व करके देखते हैं, फिर मुझे बताइएगा ट्रिक है कि नहीं है। अब पहले मुझे एक बात बताइए, पहले कौन से मेथड से करें, ऑप्टिमल से ही कर लें जो पैटर्न ये दे रहा है, ताकि उसके साथ मैच करके वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, तो लेट मी गो वन बाय वन, पहले ऑप्टिमल से देखते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में इसने भले ही बोला है 101 से 120 तक है, हमें उससे कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो इवन इस बात को ऑब्जर्व करिएगा, जब मैं 20 तक पहुंचूंगा, व्हेन आई रीच 20, तो बताओ मेरा कंटेंट क्या होगा, व्हेन आई रीच 20 कंटेंट क्या होगा। So that will be 1 2 3 4 करते करते अपन 20 तक जाएंगे। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? यस, ठीक है। अब मैं जब 21 पे जाऊंगा सर, तो बताइए विक्टिम कौन बनेगा? ट्वेंटी विक्टिम बनेगा, क्यों? ऑप्टिमल पॉलिसी अपन फ्यूचर देखेंगे तो हमें समझ आएगा यार 1 से लेकिन 19 तक तो यूज हो रहे हैं, isn't it?
वही पुरानी अंडरस्टैंडिंग, तो 1 से लेके 19 तक यूज हो रहा है, तो 20 यूज नहीं हो रहा उसको बाहर करो। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे कि 1-2 से लेके 19 तक एज इट इज रहेगा और 20 को रिप्लेस करेगा 21। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट है 22। जब 22 आएगा तो बाहर कौन जाएगा? अगेन 1 से लेके 19 तक रहेगा, देन 22, सो 21 बाहर जाएगा। नाउ कैन आई रीच 100? ओके, सो अगले 19 केसेस में सर पेज फॉल्ट होगा कि नहीं होगा? अगले 19 केस में पेज फॉल्ट नहीं होगा। जो अगला वैल्यू मुझे देखने के लिए मिलेगा दैट इज 20, और यहां से गेम फिर एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो 20 को तो अंदर आना है, बाहर किसको जाना है? मेरे ख्याल से वेरी गुड, इस बार सर 19 विक्टिम बनेगा। वो क्यों? जब मैं फ्यूचर देखूंगा तो 100 तो यूज होता मुझे नजर आ रहा है ना, तो 100 से अब 18 तक ही 19 स्लॉट भर जाएंगे, तो 19 को बेचारे को विक्टिम बना पड़ेगा। ठीक बात, सही पकड़ रहे हो आप। तो 1, 2, 3, 4 से 18 तक दिल रिमेन एट देयर प्लेस, 19 विल बिकम विक्टिम, उसकी जगह 20 आएगा, 100 भी अपनी पोजीशन रखेगा। अगर आप चाहो तो एक और पैटर्न में लिखता हूं, 21 पे क्या होगा सर? 21 पे, तो 21 पे अगेन 1, 2, 3 से लेके 18 तक वो पोजीशन में रहेंगे, 20 को रिप्लेस करेगा 21, 100 भी अपनी पोजीशन रखेगा। तो आई थिंक आप फॉलो कर पा रहे हो। तो इस तरह ये 100 से लेके 18 तक भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। यस, आखिरी स्टेटस लिख देता हूं, 99 पे क्या होगा सर? आखिरी स्टेटस लिख देता हूं, तो होगा ये 99 पे कि 1, 2, 3, 4 करते 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 अपन 18 तक रहेंगे, 99 एंड 100 विल रिमेन एट देयर प्लेस। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? अब आप मुझे बताइए, 100 से लेके 18 तक, 100 से लेके 18 तक आप पेज फॉल्ट नहीं होंगे, फाइनली 19 पे पेज फॉल्ट होगा। यस, या फिर वही बात है, लास्ट का ऑब्जर्वेशन है, सोचने वाली बात यह है क्या लास्ट के 99 और 100 पे पेज फॉल्ट होगा कि नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है सर। अब कौन विक्टिम बनेगा उस बात के कोई मायने बचे नहीं। तो कहां कहां पेज फॉल्ट नहीं हुआ? ये 19 जगह पेज फॉल्ट नहीं हुआ, उसके बाद अगले 19 जगह भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ, और लास्ट के 2 जगह पेज फॉल्ट नहीं हुआ। 19 प्लस 19 बिकम 38 प्लस 2 बिकम्स 40, आउट ऑफ 300 40 टाइम्स पेज फॉल्ट नहीं हुआ, तो टोटल कितना पेज फॉल्ट हुआ? 260 टाइम्स। तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत आराम से एक एक वैल्यू ऑब्जर्व करके हम देख, अभी क्लियर है क्या? ओके 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 ओके। नहीं, मेरे बाल खराब हो गए थे, वो सही करने गया था मैं। चलिए मुझे बताइए, तो 260 पेज फॉल्ट होंगे, 40 नहीं होंगे, क्या यहां तक क्लियर है सर? ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मैं इसको रब कर दूं? इसको रब नहीं करता, नेक्स्ट पेज में कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कौन सा सॉल्व करूं, LRU करूं, FIFO करूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट करूं, या MRU करूं, मोस्ट रिसेंटली यूज? पहले LRU करूं, ठीक है LRU करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो लेट मी राइट अगेन, 1, 2, 3, 4 कहां तक जाने का? 100 तक। 1, 2, 3, 4 अगेन कहां तक जाने का? 100 तक। 1, 2, 3, 4 फिर से 100 तक जाने का। लेट्स गो वन बाय वन। 20 पे बताइए स्टेटस क्या होगा सर? 20 पे स्टेटस पता है आपको, 1, 2, 3, 4 अप टिल 20। फॉलो कर पा रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं हम, कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? LRU ना,
एलआरईओ, ठीक है, 21 पे बाहर कौन जाएगा? लीस्ट रिसेंटली यूज, वन यूज नहीं हुआ, वन बाहर जाएगा, इसमें तो कोई गड़बड़ घोटाले के चांस है नहीं, माफ कीजिएगा, वन बाहर जाएगा, बाकी सब अपनी जगह बने रहेंगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। 100 पे क्या कंटेंट होगा सर? 100 पे कंटेंट होगा आई थिंक 81, 82, लाइक दिस अप टिल 100, सही बात है क्या? लीस रिसेंटली यूज, बाहर करते चलो। अब जब आप वन को ऑब्जर्व करेंगे फिर पेज फॉल्ट होगा, बाहर कौन जाएगा? 81 बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो 81 यार इसमें 300 होंगे क्या? 81 बाहर जाएगा, 82, 83 अप टिल 100, फिर 2 क्या करोगे तो कौन बाहर जाएगा? यार ये तो 82 चला जाएगा। 20 पे जाओगे तो कौन बाहर जाएगा? 20 पे करोगे तो, 20 पे तक पहुंचोगे तो फिर से कोई यूज वूज तो हो नहीं रहा, 1 से लेके 20 तक, फिर 100 पे पहुंचोगे तो फिर वही बदतमीजी, 82 से लेके यहां तक, हे भगवान ये तो बर्बाद कर देगा, यहां तो सर 100 पेज फॉल्ट होंगे। मुझे बताइए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो 100 प्लस 100 प्लस 100, ये भाई साहब तो बाहर हो गए एलआरईओ। अब मेरे ख्याल से जो चैलेंजिंग है एमआरयू करके देखें, इसे देखते हैं क्या दिमाग लगा रहा है, ठीक है। वन टू थ्री फोर अप टिल 100, चलिए तो आप मुझे बताइए फर्स्ट 20 पे क्या कंटेंट होगा? फर्स्ट 20 पे 1 2 3 4 टिल 20, यस नाउ नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब 21 पे जाऊंगा, अभी एमआरयू बोल रहा मोस्ट रिसेंटली यूज, तो सबसे रिसेंटली यूज कौन हुआ है? सबसे रिसेंटली तो 20 यूज हुआ है, तो 20 को निकालना पड़ेगा। ये कुछ जानी पहचानी याद मुझे आ रही है, कुछ कहानी में ट्विस्ट भी लग रहा है, तो ये 20 बनेगा विक्टिम और 21 उसको रिप्लेस करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि अगली एंट्री किसको मिलनी है? 22 को। अब 22 किसको बाहर निकालेगा? 22 21 को बाहर निकाल देगा, isn't it? तो फिर वही 1 2 3 ये कहानी एज इट इज चलेगी, यहां तक हम जाएंगे। तो अल्टीमेटली मुझे बताइए जब मैं 100 पे पहुंचूंगा, क्योंकि जो अंदर आएगा अगले स्केल में वो बाहर जाएगा सर, एमआरयू पॉलिसी यही कह रही है, तो 1 से लेके 19 तक एज इट इज रहेगा और यहां बचेगा 100, यस। अगले 19 स्लॉट्स में पेज फॉल्ट होगा कि नहीं होगा? अगले 19 स्लॉट्स में पेज फॉल्ट नहीं होगा और लड़ाई फिर से शुरू होगी 20 पे, बट इस बार विक्टिम कौन बनेगा? मोस्ट रिसेंटली यूज, इस बार विक्टिम बनेगा 19, तो पुराने वाला पैटर्न लग रहा है, 1 2 3 4 18 तक सब सुरक्षित रहेगा, 19 को रिप्लेस करेगा 20 और 100 यहां बना रहेगा। 21 पे चले जाइए तो क्या होगा? फिर यही होगा, 1 2 3 4 18 तक सब सेफ रहेगा, 21 किसको रिप्लेस करेगा? फिर 20 को करेगा, बाकी 100 एज इट इज रहेगा सर। तो 99 पे जब पहुंचिएगा सर, बस क्लियर हो गया। अबे जब बाद में प्रसाद बटने का नंबर ले दो, सो 1 2 3 4 कहां तक जाऊंगा सर? एटीन तक, फिर 19 एंड देन 100, सो बिकॉज यू हैव नाउ 100 से लेके 19 तक, 100 से 18 तक, तो क्या दोबारा ये पेज फॉल्ट होगा? नहीं, आज लगता है
अनएकेडमी का सर्वर खेल रहा है हमारी भावनाओं से, पर मैं कुछ बोला ही नहीं, रिपीट कहां से करूं, चुप रहा मैं इतने समय। ठीक है, ये देखो तो 100 से लेके मैं कहां तक गया सर, 18 तक, पेज फॉल्ट नहीं हुए। 19 पे कौन बाहर जाएगा, 19 पे कौन बाहर जाएगा, सो 1 2 3 4 से करते 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 अपन आ गए मोस्ट रिसेंटली यूज, 18 बाहर जाएगा ना, यस 18 विल गो आउट, और यहां पे कंटेंट बचेगा 99 और 100, क्योंकि यहां पे 99 आ गया होगा। तो अगेन लास्ट के दो स्लॉट में पेज फॉल्ट होगा कि नहीं होगा, लास्ट के दो स्लॉट में पेज फॉल्ट नहीं होगा, बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन है। सो नाइन सो 19 इधर, 19 इधर और 2 इधर, बिल्कुल सेम पैटर्न है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर? पैटर्न के हिसाब से नहीं, मैं इसको गुस्से से देख रहा हूं, उसको भस्म कर दूंगा मैं। नहीं, वो मैं तो इग्नोर कर रहा हूं, बताओ मैंने कितनी बार, दो बार इग्नोर किया कि नहीं किया, किया, लेकिन मेरे बच्चे तो इग्नोर नहीं कर रहे भाई, तो फिर मैं फिर पढ़ा किसे रहा हूं? आप लोग लगे हुए हो, कौन कौन गधे हैं जो आंसर कर रहे हैं ये वो फला डिम का। अब क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूं भाई, मैं तो कर चुका हूं इसे। कोई बात नहीं, बेटा आशुतोष बताओ, बेटा बताओ क्या डाउट है आपका, क्या कंफ्यूजन है आपको? मैं तुमको ब्लॉक करूंगा, फिर मेरी तो क्या किसी और की भी क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे। अबे क्लास चल रही है, बीच में एक बार कमेंट कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार कर दिया, फिर खाना खा रहे हो, मैं पीछे से आके पूछ लगा दूं कि आई डोंट मीन टू डिस्टर्ब यू, क्वेश्चन खत्म हो जाता, पूछ लेते फिर एक बार। तो भले ही ऑनलाइन क्लास है, चलती क्लास में कुछ एटिकेट होता है कि नहीं होता है भाई? प्रिंसिपल भी आएगा ना स्कूल का, तो पूछता है मैं आई कम इन सर, जब क्लास चल रही है तो एक तमीज होती है। ये लगे हुए हैं अपने गेम में। कोई बात नहीं, अभी फिर भी अब जो होगा बताइए, पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन समझ आएगा आपको? ठीक है, थोड़ी मुझ पे दया करिएगा, या आप मुझसे बी और सी भी करवाएंगे? लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इस पर थोड़ा अटेम्प्ट करोगे तो अटेम्प्टेबल है। अब ये क्वेश्चन गेट में सॉल्व करना पॉसिबल था कि नहीं था ये मुझे नहीं पता, बिकॉज दो नंबर के क्वेश्चन पे कितना समय दोगे, है ना, वो प्रैक्टिकली पता नहीं कि हाउ मेनी। बट ये 5 मिनट में कब्जे में आने वाला है नहीं, आपको साथ में ये भी तो मान के चलना पड़ेगा भाई, प्रेशर भी होगा गेट का, इजंट इट? तो वो सारी बातें ऑब्जर्व करेंगे तो वो कहानी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अच्छा, अब मैं आपसे एक आइडिया पूछ रहा, एक छोटी सी बात, उसे बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, कि गेट वाले भी उस बात को खैर कोई इतनी वैल्यू नहीं करते। मुझे एक बात बताइए, ये जितने भी एल्गोरिथम आपने पढ़े, इनमें सबसे काम का कौन है? सबसे काम का एलआरयू है, इस बात में तो क्लैरिटी है ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सबसे काम का एलआरयू है, ठीक है। तो अब इस बात को देखिए, समझिए ध्यान से, सोचिए कि एलआरयू को इंप्लीमेंट भी तो करना होगा, इंप्लीमेंट तो सर करना होगा। अच्छा,
आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामर होंगे, जैसा बोलते हैं ना, इसका डेटा हैक हो गया, इधर चला गया। अगर मैं आपको एक टास्क दू तो टास्क बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। टास्क ये है, एलआरयू इंप्लीमेंट करना है। जब आप एलआरयू इंप्लीमेंट करने जाओगे तो आपको अलग अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग समझ आएगा, और ये भी समझ आएगा कि थ्योरेटिकली बात करना कितना आसान है, लेकिन हर बार जब भी पेज फॉल्ट हो उसको विक्टिम बनाए जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें एक अच्छी खासी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। यस, तो अब मैं उसमें जा भी नहीं रहा, पहले मैं आपको कंक्लूजन समझा रहा हूं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या वो डायरेक्टली एल्गोरिथम पे पूछे गए हैं, तो गेट वालों को कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं इसमें, लेकिन एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, मैं कहानी आपको समझाता हूँ। एक एल्गोरिथम है, जैसे अभी आप कहीं पढ़ भी रहे थे ना, उसका नाम है सेकंड चांस एल्गोरिथम। मुझसे बोलो क्या नाम है। हाँ, आप एज अ प्रोग्रामिंग आप ट्राई कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। सेकंड चांस एल्गोरिथम, बचपन में आपने क्रिकेट खेला होगा, अगर आप आउट हो गए तो कभी कभी सेकंड चांस मिलती है। ट्राई बॉल, ट्राई बॉल जानते हो आप, ट्राई बॉल। वेरी गुड, तो वही आइडिया है सर, सेकेंड चांस एल्गोरिथम वाला। ठीक है, तो लेट मी गो वन बाय वन। अब इस बात को ऐसे समझिएगा, सेकेंड चांस कैसे मिलता है। मान लेते हैं हमारे पास फिलहाल 10 पेज 10 फ्रेम है। कितने फ्रेम है, 10। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ऐसा करके मैं देखूंगा ओवरऑल मेरे पास, यार वो बच्चा कहाँ चला गया, मेरा दिल कचोट रहा है मुझे अंदर से, क्या पूछ रहा था यार वो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। बेटा तुम चले गए क्या, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, ये मेरा प्यार है। है कि गया? अच्छा है, फिर ठीक बात है, तो पूरा ही बेशरम है, अब भी यहीं पे है। चलिए मैं कंसंट्रेट करता हूं सर। ओके, लेट मी कंसंट्रेट। तो P1 से लेके P10 तक मेरे पास पेजेस हैं, और इन द स्टार्टिंग मान लीजिए अपन क्या करते हैं कि जब भी कोई पेज लोड हुआ तो मान लेते हैं कि हम इन सब के साथ एक बिट अटैच करते हैं। जैसे अपन को याद है वैलिड बिट इनवैलिड बिट, टीचर और मम्मी की बात का बुरा, हाँ, और टीचर और मम्मी दोनों मार भी सकते हैं, ये दोनों बात फिर बोलिए पूरी पूरी, बुरा भी नहीं मानना और फिटना भी है ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए वन से लेके 100 तक 10 तक ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख ली। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूं, आप इस बात को और अच्छे से समझेंगे। स्टार्टिंग में ऐसे समझो, हम विक्टिम किसे बनाते हैं, जो पहले से मेमोरी में हो, हाँ या ना। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिए, ये सारे के सारे पेज मेमोरी में है ना, और क्योंकि मेमोरी में है तो जाहिर सी बात है एक बार यूज हो चुके होंगे, बिकॉज बिना यूज के तो कोई मेमोरी में आता नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिए, मैं दोबारा से समझाते हुए इस बात को लिख रहा हूं, जो यूज हो चुका है ना उसकी बिट हम 1 करते हैं। क्या करते हैं, उसकी बिट 1 करते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, मान लो कि पेज फॉल्ट हुआ, अब अचानक पेज फॉल्ट हुआ, मैं यहां से सर्च करना स्टार्ट करूंगा और मुझे समझ में आया P1 की बिट 1 है, तो P1 की बिट 1 होने का मतलब ये हुआ ना कि P1 बोल रहा सर मैं यूज हुआ हूं, आई एम बींग यूज्ड। यस, नहीं ये वैलिड इनवैलिड बात नहीं है, मान लेते हैं 10 के 10 पेज हैं, बल्कि ये फिर मैंने एग्जांपल इतना बड़ा क्यों लिया, मुझे 5 पेज पे लेना चाहिए, उससे आप जल्दी समझ जाएंगे। तो ये 5 पेज हैं, 5ों इस्तेमाल हुए हैं, अब किसी और को अंदर आना, पेज फॉल्ट हो गया, तो ये कह रहा है मैं यूज हुआ हूं। अभी अगर ये यूज हुआ है तो क्या मुझे इसको एकदम से बाहर कर देना चाहिए, नहीं, थोड़ा समय लगेगा इस एल्गोरिथम को स्पीड पकड़ने में। तो इसको ऐसे समझिए, मैं इसको बोलता हूं आई एम गिविंग यू अ सेकंड चांस, मैं तुमको एक दूसरा मौका दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे दूंगा, आई क्लियर योर बिट टू 0, मैं तुम्हारी बिट को 0 कर दूंगा।
अब इसका गेम समझना आप, ये कह रहा है मैं सेकंड चांस तो दूंगा लेकिन मैं तुम्हारी बिट को जीरो कर दूंगा। अब समझिएगा गेम क्या है, गेम कैसे आगे बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे P1 के पास जाएगा, पहली ट्रेशन तो सेम रहेगी और पहली ट्रेशन के बाद इन सबको सेकंड चांस मिलेगा, सब बच जाएंगे। लेकिन मुझे तो कोई विक्टिम मिला नहीं, तो मैं घूम के फिर से दोबारा वापस आऊंगा और कौन पकड़ा जाएगा, P0, P1 दोबारा से पकड़ा जाना है क्योंकि अब उसका बिट जीरो है ना। तो मान लेता हूं एक मिनट के लिए, चलो P1 बाहर गया और अंदर कौन आया, अंदर आया P6, और अंदर आया तो इसलिए उसका बिट हो गया वन, सही बात। अब कुछ समय सिस्टम चला और जब जैसे सिस्टम चला तो उस कुछ समय चलने के बाद स्टेटस है नया 11010। ये स्टेटस कैसे हुआ आपको समझ आ रहा है, बताइए। देखिए जब भी कोई यूज होगा, अब इसका नाम भी बता दें, उसको बोलते हैं रेफरेंस बिट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस बिट। जब भी कोई यूज होगा तो हम उसको वन कर देंगे क्योंकि एक बताने का तरीका कि इस्तेमाल हुआ है ना। और मान लो पांच मिनट के बाद फिर से पेज फॉल्ट हुआ, अब मैं ढूंढना चालू करूंगा जिन जिन लोगों का बिट फिर से वन हो गया, इसका मतलब क्या वो यूज में बने हुए हैं, हाँ तभी तो उन्होंने जीरो से फिर से वन कर लिया। लेकिन जिस बेचारे का बिट जीरो ही रह गया, इसका मतलब क्या है, इसे पहले तो सेकंड चांस मिला था लेकिन सेकंड चांस मिलने के बाद अब ये दोबारा से यूज नहीं हुआ है ना। तो मैं फिर से आऊंगा, मैं वन को जीरो बनाऊंगा, मैं इस वन को जीरो बनाऊंगा, लेकिन ये बाबू विक्टिम पकड़ा जाएगा, P3 बाहर जाएगा और मान लीजिए इसकी जगह P7 लोड हो जाएगा। और यही कहानी आगे भी चलती जाएगी, जो यूज होगा उसको वन करो, फिर विक्टिम ढूंढना शुरू करो, किसी की बिट वन है तो उसको जीरो कर दो, किसी की जीरो है तो उसको विक्टिम बनाओ। अब लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या, आप लोग इस बात को समझिएगा, दिस इज नॉट एग्जैक्टली एल आर यू बट इन द लॉन्गर रन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेकेंड चांस एल्गोरिदम विल बी वेरी क्लोज टू एल आर यू। डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये भी तो उसी फिलोसफी पे काम कर रहा है भाई, वही विक्टिम बन रहा है जो यूज नहीं हो रहा, जो बार बार यूज होगा उसकी तो रेफरेंस बिट वन ही रहेगी, उसको काहे का डर है, सोचिए। तो इस एल्गोरिदम में भी कौन बाहर जाएगा, इन द लॉन्गर रन, यस इन द लॉन्गर रन इट विल बिहेव एज एल आर यू एंड द पेज विल बी सिलेक्टेड एज विक्टिम इफ इट इज नॉट यूज्ड रेगुलरली। अगर रेगुलरली इस्तेमाल नहीं हो रहा तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बताइए इतनी मुश्किल प्रॉब्लम को सिंगल बिट में ना काउंटर के ना किसी और चीज के सॉल्व कर देना, क्या ये अपने आप में एक चमत्कार से कम है। यहां पर उन लोगों को मैं ये क्वेश्चन डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्हें शॉर्टकट से प्यार होता है। अभी भी कुछ लोग लिख रहे थे इसका शॉर्टकट क्या है, इसका ट्रिक बताइए। ये ऐसा शॉर्टकट, एलआरयू यूज मत करिए, ये यूज करिए। फॉलो कर पा रहे, इजी टू इंप्लीमेंट, इजी टू यूज एंड द परफॉर्मेंस इज मोर ऑर लेस वेरी क्लोज टू एलआरयू। इट इज नॉट एग्जैक्टली एलआरयू बट वेरी क्लोज टू एलआरयू। आप अगर अलाउ करो तो एक छोटा सा आइडिया और यहां पे इंटरेस्टिंग करूं, एक छोटा सा आइडिया और देखिएगा। इन सम कंप्यूटर हम रेफरेंस बिट के साथ एक और बिट यूज करते हैं डर्टी बिट, क्योंकि आपने कई बार क्वेश्चन में पढ़ा है ना डर्टी बिट। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं डर्टी बिट। अब डर्टी बिट की कहानी देखिए, डर्टी बिट की क्या कहानी है। डर्टी बिट बोल सकते हैं या ठीक बात है, आप इसको मॉडिफाइड बिट भी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट। इट गोज लाइक दिस, मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा, बस मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, डर्टी बिट का मतलब क्या है। अगर कोई पेज मॉडिफाइड है तो उसके लिए डर्टी बिट की या मॉडिफाइड बिट की वैल्यू क्या होगी, वन होगी सर। अगर कोई पेज में चेंज नहीं हुआ, मॉडिफाइड नहीं है, तो इस बिट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या समझ आता है आपको, ठीक है। नाउ लेट मी गो लाइक दिस, लेट मी जनरेट ऑल द फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। एक छोटी सी बात बस आपको समझानी है, ये कौन सा पेज है, ये वो पेज है ना तो इसका रेफरेंस हुआ, ठीक, और इसका डर्टी या मॉडिफाइड बिट भी जीरो है, इसका मतलब ये मॉडिफाइड नहीं है। इसको रिप्लेस करना आसान है या मुश्किल है, सोचो। इसको रिप्लेस करना बहुत आसान है क्योंकि इसको वापस तो लेके जाना नहीं है मेमोरी में, ऑलरेडी कोई चेंज है नहीं, जब डिस्कार्ड करके नया पेज लेके आना है। तो जब भी पेज फॉल्ट होगा, क्या इस तरह के पेज को विक्टिम बनाना बड़ा लॉजिकल टास्क है, बहुत बढ़िया है।
इसे ही बनाओ विक्टिम, ना तो ये यूज में है और ना ही ये डर्टी है। अच्छा अगर कोई बोले कि मैं इसको विक्टिम बनाऊंगा तो उसको क्या सलाह देनी चाहिए? वन वन डू यू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है? एक तो रेफरेंस बिट वन है, ऐसे पेज को बाहर करोगे तो हो सकता है घूम के फिर से वापस आए क्योंकि ये तो यूज में था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका डर्टी बिट भी वन है, इसकी जो पेज सर्विस टाइम होगा, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम क्या ज्यादा होगा? यस। अच्छा अब मेरी एक आदत है, मैं यहां पर क्वेश्चन पूछता हूं लोगों से, अगर ये तो ठीक है, ये सबसे बढ़िया है सबसे बेकार है, इन दोनों में कौन सा बेटर होगा, 0-1 या 1-0? ये जो एल्गो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इस एल्गो को बोलते हैं एनहेंस्ड सेकेंड चांस एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? एनहेंस्ड सेकेंड चांस एल्गोरिदम, एनहेंस्ड। यस, क्योंकि क्या ये सिर्फ रेफरेंस बिट यूज कर रहा है या साथ में डर्टी बिट भी यूज कर रहा है? दोनों यूज कर रहा है, तो पहले से बेटर है, एनहेंस्ड वर्जन है। एक बच्चा, उसका नाम लॉकी है, मेरा एक मित्र था बचपन में, उसका नाम लोकेश था, उसे हम प्यार से लॉकी कहते थे। लौकी के तो और भी पर्यायवाची, हमारे यहां वैसे लौकी को घिया भी बोलते हैं, घिया, पता नहीं आप में से सुना है आपने, लौकी को कद्दू नहीं बोलते, कद्दू कद्दू होता है भाई, ये क्या बात हुई? अच्छा लौकी एवेंजर का दुश्मन है, अच्छा ये वो लौकी है, ओह आई एम सॉरी, ये कुछ कार्टून वार्टून की चीज है मतलब, आई एम सॉरी, मेरा ज्ञान इधर कम है, मार्वल है ये, एक तरह का सुपर पावर, सुपरमैन टाइप आदमी है ये, कुछ सुपरमैन का दुश्मन है ये, नेगेटिव सुपरमैन है। अच्छा थॉर का मौसी का लड़का है, थॉर का भाई है, कोई बात नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, मैं कोशिश तो करता हूँ बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता देखने में। चलिए बिहार में कद्दू बोलते हैं, तो बिहार में कद्दू को क्या बोलते हैं? अगर लौकी को कद्दू बोलते हैं तो फिर कद्दू को क्या बोलेंगे? कद्दू को लौकी बोलेंगे, उल्टा, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, हाँ तो आप ये बात समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने किया है, क्योंकि ये वो पेज है जहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस पेज को फिलहाल बाहर करना नीचे वाले से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, इजंट इट, क्योंकि इसका डर्टी बिट वन है, लेकिन हम इस बात पे भी ध्यान दे रहे हैं कि इसका रेफरेंस बिट जीरो है, तो फिलहाल तो खर्चा है, लेकिन फ्यूचर में ये दोबारा रेफर हो इस बात के चांसेस कम है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो दूसरा आइडिया आप देखेंगे, यहां पर रेफरेंस बिट वन है, डर्टी बिट जीरो, अभी बाहर करोगे आसान तो होगा सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका रेफरेंस बिट वन है, आपको बाद में परेशान करेगा। यस तो बेटर है कि आप उसको बाहर करिए जिसका, पहले तो ऐसा ढूंढिए, अगर कोई ऐसा नाम मिले तो फिर इस पर आइएगा, 0-1 वाले के ऊपर। खैर मुझे बताइए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आई क्या? हालांकि आज तक एक बार भी इन दोनों में से किसी को गेट में कभी ना टच किया गया ना पूछा गया, एक क्वेश्चन नेट में जरूर आया था, उसको आप ट्राई करिएगा वरना कल सॉल्व करेंगे, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि वर्चुअल मेमोरी के आपके आइडिया को कंप्लीट करूं सर। करना चाहो करो, बस फिलहाल तो मेजर कंसंट्रेशन पहले ये होमवर्क पे करना, इस स्लाइड में जितने क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना, वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। और मॉर्निंग क्लास में क्या होमवर्क दिया है? अच्छा वहां भी ज्यादा होमवर्क नहीं है, वहां तो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, रिलेशंस। यस चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।